So this is what actually I was waiting for almost years. But I wasn't waiting for, to be honest. It was happened suddenly, unexpected, you know. Few moments later. So मेरा दिल किया या लाभ लाभ कुछ करने का ना. So you know, I never thought that I'm gonna be doing something that I have done before, but I'm gonna do it again. So मैंने को कभी मालूम नहीं था कि मैं दोबारा फिर से पास होऊंगा कबूतर. Finally after long time यार 12 साल 15 साल लगभग हो चुका है. उसके बाद आज finally मैंने कबूतर खरीदा. अभी थोड़ी देर पहले ही आपको दिखाया. अब मैं मेरे को समझ आ रहा है था कि कहाँ फिर इसको रखा जाए, क्योंकि कबूतर के लिए दरबा रखना चाहिए. तो मेरे पास दरबा फंसा हुआ. तो दिस इज वेयर आई एक्चुअली कीप माय कबूतर. तो ये आप देख सकते हैं, ये पता नहीं कौन लड़का बताया था, आप देख के बता दो. अभी मैं कबूतर को था मुझे को, क्योंकि मैं लास्ट सीना कल सिलाई पालता जा रहा था, तो मुझे जानकारी मिली थी. ये है ये तो चार कबूतर है, ठीक है. और मैं ये अपना कम इस समय फिलहाल, चूँकि मेरा दरबा जो ऊपर रखा हुआ है वो पूरा पूरा बंद है, बहुत ज़्यादा उसको वक्त लगेगा सही करने, तो उसको इसीलिए मैं ये इस कमरे में रखा हूँ. ये मेरा सेकंड फ्लोर है. मैं नीचे वाले कमरे में जहाँ भी आप देखते हो अनबॉक्सिंग करते हो, जस्ट इसके नीचे है, इसी का फ्लोर है. तो देख लीजिए, आप दिखा दे रहे हैं कैमरा मैन थोड़ा सा, भाई दिखा दीजिए आप. व्हाट आई कुड से, अ बिग एंड क्वाइट रूम फॉर कबूतर, या कुछ ज़्यादा ही हो गया ना बड़ा कबूतर के लिए. हाँ है, क्योंकि अभी हमारे पास इस समय कुछ भी नहीं है. तो आप शुरुआत किया जाए, थोड़ा सा इनको खाना खिलाया जाए पहला दिन. सो दिस इज वर्क फर्स्ट डे. ये सब छोटे छोटे हैं, बेबीज पिजन है, अभी कुछ ही दिन के हैं, 15-20 दिन के होंगे ये दोनों. लॉकडाउन में सब कुछ ना कुछ कर रहा, मैं भी सोचा कबूतर पालें, क्योंकि दिमाग थोड़ा इंगेज रहेगा, अलग रहेगा, तो ये प्रोडक्टिव वाइज क्वालिटी वाइज भी अच्छा रहेगा और दिमाग भी सुकूनदार रहेगा. तो सब कुछ ना पालना, तो मैं भी सोचा पालू. 12 साल पहले पाला, तो 12 साल बाद फिर से पाल लिया अनएक्सपेक्टेडली. बट इट हैपेंस, मुझे मालूम नहीं था कि मैं पालूंगा. खरीदने से पहले ही एक दिन तक मुझे नहीं मालूम था, पर लेकिन सोचा था कुछ पालू. तो दोस्तों कहना चाहूँ, लॉकडाउन में फंसे हैं, अगर आप कबूतर खरीदे हैं, नया कबूतर खरीदे और आपको चाहे उनको खरीदना है लेकिन उनके पास दरबा नहीं, तो आप रूम में रख सकते हैं अपने अगर आपके पास है. लेकिन क्या खिलाएं उसको मैं आपको बताना चाहूँगा. जब मेरे पास जब मैं अभी खरीदा, तो चूँकि दुकान का सब बंद है, इस समय कड़कड़ लीज जो रहता है खाने का नहीं मिल रहा है. तो मैं घर में एक तो ये होती है मसूर की दाल जो होती है, या मसूर की दाल आप दे सकते हैं, यानी मसूर की दाल होती है. तो ये कबूतर ना लगभग हर जो वैरायटीज के कबूतर होते हैं, चाहे कासनी हो, चाहे मद्रासी हो, चाहे कल सीरा हो, चाहे जो भी हो ना, छोटे से लेकर बड़े तक, अगर आप इनको शुरू ही में थोड़ा बहुत भी एक दिन में खिलाएंगे ना, वो शुरुआत में खाना शुरू कर देंगे, क्योंकि इनको पसंद रहती है. तो आप ना इनको ये जरूर खिलाओ. तो अगर आप लॉकडाउन में फंसे हैं दोस्तों, हाँ, तो ज़रूरी नहीं कि पाल लीजिए ही खिलाएं. अगर आपका घर में कुछ सामान है खाने पीने का या दाल वाला है, वो खिला सकते हैं. तो मेरे इसमें मेरे पास दाल थी, तो मैं स्पेयर रखी, तो मैं इन्हीं को खिलाऊंगा. तो अब इनको खाना खिलाएंगे और आप भी देखिए, एंजॉय करें वीडियो, तो शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिएगा. तो ये है मसूर की दाल, ये आप इनको खिला सकते हैं. अगर आपके पास अभी जस्ट खरीदे और आपके पास फूड नहीं है पिजन को खिलाने के लिए, तो ये खिला सकते हैं. और या तो रोटी जो होती है, रोटी को तोड़ के आप उसको खिला सकते हैं. वो भी मैंने ट्राई किया है, अभी थोड़ी देर पहले खिलाया था, तो खाते हैं सब. अभी फिर से आगे की वीडियोज़ में दिखाऊंगा क्या क्या खिलाया जा सकता है, क्योंकि इस समय मेरे पास पिजन के फूड्स नहीं है, तो मैं यही सब खिला रहा हूँ. तो सबसे इसमें सबसे बड़ा मेरा जो कबूतर खरीदा ना, उसमें ना ये जोड़ीदार में ये जो कबूतर है, ये बताया था उसने मुझे, लग कबूतर ही सबसे ज्यादा मतलब शुरुआत में घुल मिल जाता है, ट्रस्ट इशू बहुत अच्छा है, बहुत जल्दी टेंट हो जाता है. अभी देखिए दिया और तुरंत आ गया ऊपर से खाने के लिए. तो आप चाहे तो पांडे जी भी लॉकडाउन में तोड़ तोड़ के खिला सकते हैं, अगर आपके पास फूड सोर्स नहीं है पिजन के लिए, वो भी सही रहता है. रोटी आप तोड़ तोड़ के खिला सकते हैं. और वैसे दाल इसको बहुत पसंद रहती है, याली जो रहती है, मसूर की याली जो दाल रहती है, और वो सरसों के बीज भी खिला सकते हैं. अब आए वो भी आएंगे, देखिए वो दोनों है, दोनों अच्छे ब्रीडिंग के लिए माने जाते हैं, और ये दोनों भी बहुत अच्छे हैं. तो हमने ये दोनों का पेड़ लगाया है, याला और उठाता है वाला. अब आपको जो नाम मालूम हो बता दीजिए, पता इसलिए क्या बताया था, पैर वो फैंसी कबूतर है राइट वाला. अच्छा तो अभी फिलहाल ये इसी कमरे में रहेंगे कुछ दिन तक, हाँ, जब तक वो बढ़ नहीं जाता. तो हम लोग ये सोचें कि इसी कमरे में रखें, फिर उसके बाद इसको हम छत पर ले जाएंगे, दरबा सही होगा. तो दरबे में जाएंगे दोनों सब चारों, और फिर उसके बाद दरबे में रहेंगे. और तब तक ये यहीं रहेंगे जब तक थोड़े बढ़ नहीं जा रहे हैं. कैसे लग रहा है आपको, हाँ, ये वीडियो और ये कबूतर मेरे
फाइनली आपका दोस्त था, आपका यार, आप फाइनली कबूतर पाली लिया। इतने दिन से वीडियोस की लाते थे मार्केट में, फिर वीडियोस लेके आते थे कबूतर का, फाइनली आप हमारे घर में खुद ही कबूतर है। अब आपको सब नए नए स्टेटस वीडियोस मिलेंगे कबूतर के हमारे चैनल के थ्रू। तो क्या चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए अगर आप नए हैं, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आपके लिए मस्त मस्त वीडियोज आते रहे। बाय द वे देखिए कैसा लगा, मस्त है ना, ये सबसे ज्यादा ही खुला हुआ मुझसे यही है। ऐसे ही मैंने पहले पाला था, मैं जब 12-13 साल पहले की बात है, तो मैं तो पाला था, छोटा सा था वो, मादा थी ये। लेकिन देखो ये कितना फोटोजेनिक है, ये बकायदा बगल में आके रिकॉर्डिंग करवा रहा है। हाय करो, हाय हाय करो। तो कैसा लगा दोस्तों आपको ये वीडियो, है इसको कमेंट में बताइए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जो हो सके वो करिए। कैसा लग रहा, आपके पास कोई सजेशन है तो वो बताइए। और फाइनली आपका भाई कबूतर पाली लिया, पहले से तो तोता पाले ही थे, अब कबूतर फिर से आ गया है फाइनली आफ्टर लॉन्ग टाइम। इससे पहले जब मैं पाला तो सब यूट्यूब एग्जिस्ट ही नहीं करता था। मैं अब आपको ने इससे पिजन से रिलेटेड बहुत से वीडियोज घर के भी दिखाएंगे और इन्फॉर्मेशन देंगे जो आपको बहुत काम आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं, सब मेरे घर कबूतर जितने हैं सब खाना खा रहे हैं, मैंने डाल दिया, ये भी खा रहा है, जो इस पर इसमें आप फोकस किया हुआ वो देख रहे हैं, ये भी खा था, लेकिन इसमें कम खा रही। जब शुरुआत ही में आया था, मैं आपको दिखाया था शुरू में, अभी थोड़ी देर पहले ही जब वीडियो आया था, वीडियो चालू किया था, जब कबूतर आया था ये स्लो था, बहुत ही खाना नहीं खा रहा था। तो मुझे अभी भी इसकी मूवमेंट में कुछ अजीब लग रही है, बीमार लग रहा है, मुझे जैसे लगा जुकाम है, ये हो गया कि या ये इल हो गया है, जब उन लड़के लोगों के साथ आने में चलने में लग रहा, थक गया, तो ये खाना नहीं खा रहा है दोस्तों। देखो तो वो पकड़ा गया तुरंत, इससे पता चल रहा है ये वीक है थोड़ा। दोस्तों क्या करना चाहिए, देखिए कबूतर जब भी आपको ना पता लगाना हो कि वो वीक है कि नहीं है, तो आप उसके पास जब जाओगे ना, वो आसानी से पकड़ा जाएगा। अगर वो वीक रहेगा आसानी से पकड़ा जाएगा, ये पहली चीज समझ लीजिए। उसका पर खड़ा रहेगा, देखिए इसका बाकी सबका पर एकदम ऐसा है, इसका खड़ा है, तो ये वीक है, ये आने में या तो बीमार पड़ गया है या तो इसको पहले से बीमार था, तो मुझे उस समय रिकॉर्डिंग किया तभी मुझे बीमार लगा। तो आप इसको क्या करना चाहिए, इसके लिए मैं आपके दूसरे पार्ट इसको वीडियो को देते रहेगा, तो मैं इसको पूरा बताऊंगा क्या क्या मैं इसको खिलाऊंगा और क्या क्या इसको खिलाना चाहिए आपको भी, अगर ऐसे आपके कबूतर के हैं बीमार है तो, अगर वीक है तो क्या क्या खिलाना चाहिए, तो इसको देखा जाएगा। तो बाकी ये देखिए खाना कम खा रहा है, तो मैं आगे अगले वीडियो में इसको बताऊंगा क्या क्या खाना खिलाना चाहिए शुरुआती दिनों में, और क्या खिलाना चाहिए ताकि ये सब उनकी वीकनेस सही हो जाए और आपका कबूतर फिर से हेल्दी हो जाए।